अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं की वीडियोस जो है वो आपको दिखानी है, काफ़ी फिर गैप आ जाता है कुछ ना कुछ वजूहत की बिना पर, तबीयत ख़राब होती है जिसकी वजह से वजूहत जो है ना होती है कि वीडियो थोड़ी मेरी लेट हो जाती है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हैदर फूड्स। जी, हैदर फूड्स मौजूद है अंडा मोड़ पर, मेन शादमान 14B पे। और हैदर फूड्स जो है यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेमस है। फिश स्पेशली जो है वो हमने खाई है, बहुत ज़्यादा यहाँ की स्पेशल है, उसका जायका भी बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने जो स्टार्ट किया है चाइनीज़, और इन्होंने अपना जो है ना इस तरीके से पूरा फैमिली सेटअप किया है। इस तरीके से इन्होंने पूरा जो सेटअप बनाया है वो फैमिली का बनाया है। और यहाँ के जितने भी खाने हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इनके पास क्या क्या है, मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं भाई आप? भाई थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, ठीक है, ताकि इसमें आपकी आवाज़ आ जाए। पहले आपका फैमिली जो आपने ये बनाया है पार्ट नहीं था, जहाँ फैमिली सिटिंग एरिया था वो यहाँ पर नहीं था। अभी आपने नया बनाया है, तो आप ये बताएंगे कि फ़िश तो हमने आपकी ट्राई की है, हमारी फैमिली में सब खाते हैं फिश, बहुत ज़बरदस्त है। अभी आपने क्या नया मेन्यू जो है वो स्टार्ट किया है? मेन्यू तो हमारे पास सारे पहले से ही हैं, चाइनीज़, फास्ट फूड, सही, कढ़ाई हमारे पास पहले से ही है। सही, देखिए हमारे पास फैमिली रूम का कोई फैमिली रूम का सिस्टम नहीं था। सही, वो अभी हमने किया, माशाल्लाह हमारा 28 साल। हाँ, वो तो है काफ़ी टाइम से। सही, सीटिंग एरिया हमारे पास मिलता है फैमिली के लिए, वो अभी हमने, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि चाइनीज़ में आपके पास क्या क्या है मेन्यू में? चाइनीज़ में हमारे पास सारे अवेलेबल है, चिली फ्राई है, चिली ग्रेवी है। सही, आपने स्पेशल कोई शेफ़ वगैरह रखा है इसके लिए, चाइनीज़ के लिए? तो हमारा स्पेशल ये है, 2.5 साल से हमारे पास। अच्छा, 2.5 साल से आपके पास है। सही, हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक, सही, जी, सही, ठीक है, सही, सही। अच्छा ठीक है, मैंने लोकेशन बताई है, आप भी थोड़ी सी लोकेशन बता देंगे कहाँ है? जी सही है, ठीक है। अच्छा, मेन्यू आप हमें दिखाएंगे कि आपके मेन्यू कार्ड में आपके प्राइसेस क्या क्या हैं? अपडेट होती रहती हैं, लेकिन ये कि आप बताएं कि रिजनेबल है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सही, 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 सही है, ठीक है। चले, मैं आपका जो ये आपने बनाया फैमिली रूम, ये सबको दिखाती हूँ ताकि उन्हें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि कैसे बनाया आपने। फैमिली रूम जो बनाया है मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर एक ये एरिया भी बनाया है। तो इनसे पूछते हैं कि एरिया इन्होंने किस चीज़ के लिए बनाया है। जी बताइए। जी, ये बर्थडे पार्टी हो जो, सही, 30-35% के लिए जो, मतलब 35% जो है वो, सही है, ठीक है, सीटिंग एरिया। अगर आप फुल हॉल भी बुक करा सकते हैं शादी के लिए, और अच्छा मतलब शादी कर सकते हैं यहाँ पर शादी के लिए, 200 से 250 बंदों की सीटिंग एरिया हमारे पास। अच्छा मतलब ये स्पेशल जगह की जगह बाकी एरिया भी शादी के लिए बुक करवा सकते हैं, जो ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो एरिया बनाया है इन्होंने पूरा इसके अंदर ही, देखें आपके इस तरह से पार्टी के लिए इन्होंने एरिया बना लिया और काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा, ये देखें। हमारे पास केक्स भी अवेलेबल होंगे, जो भी सीटिंग सारे डेकोरेशन भी होगी। हाँ, डेकोरेशन ठीक है जी। चलें और आगे लेके चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। और ये इनके शेफ़ हैं जो इस वक्त बना रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस, ये सारी जो है ना वेजिटेबल फ्राइड कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इसका जो बाकी मेन्यू है रेडी कर लिया है। और आप क्या बना रहे हैं भाई? पिज्ज़ा बना रहे हैं। कौन सा? इटालियन पिज्ज़ा बना, इटालियन पिज्ज़ा बना रहे हैं, ये देखें। अगर मैं घर में ऐसे करूँ ना तो मेरी तो कढ़ाई के सारे चावल नीचे गिर जाएंगे, ये देखें। ये इन्होंने रेडी कर लिए वेजिटेबल फ्राइड राइस और बड़े मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, इस पर टॉपिंग भी करेंगे, ये भी कर रहे हैं टॉपिंग। ये हमारे जो शेफ हैं इनका अपना
अपना अपनी किसी के पास नहीं है ये। अच्छा माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि फ्राइड राइस क्योंकि सिंपल दिए जाते हैं, उनके पास टॉपिंग नहीं होती, उनके पास टॉपिंग नहीं होती, सही सही टॉपिंग नहीं मिलती। और ये टॉपिंग जो करते हैं इसमें मलाई और उनका अपना एक मज़ा आ जाता होगा। अच्छा इन्होंने ये क्रीम डाली है और इसके बाद इनकी शेफ़ की अपनी सीक्रेट जो है ना वो टॉपिंग है जो उन्होंने बताई नहीं है भाई क्या है इनकी सीक्रेट टॉपिंग है जो मैं ये डाल रहा हूँ ये सही नहीं है किसी के पास भी नहीं है इनका अपना रेसिपी। हाँ आपकी एक तो कबाब कढ़ाई किसी के पास नहीं है और ये टॉपिंग भी मैंने अभी नहीं देखी है। सही। अच्छा भाई इनका ये चाउमीन अब इन्होंने स्टार्ट कर दिए, मैंने डाले आप डाले ऐसे अंदाज़ा हो जाता है आपको कितना डालना है, ज़्यादा तो नहीं हो जाता कभी। एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस है। सही कह रहे। और इतनी जल्दी जल्दी बना रहे हैं, कितनी डिशेस बना लेते हैं? मतलब आपका ऑल आइटम अवेलेबल है, मतलब एक दिन में काफ़ी बन जाते होंगे, बहुत ज़्यादा बन जाते होंगे। माशाल्लाह से हमारा जो शेफ है ये बहुत स्पीड से बना रहे हैं। हाँ मैं यही देख रही हूँ, मैं यही कह रही थी मेरे फ्राइड राइस तो चूल्हे में ही गिरे होंगे सारे। ये एक चाउमीन राइस आप पास्ता कोई चीज़ है 2 मिनट के अंदर आपको बना। हाँ वाकई बहुत अच्छे हैं, वीडियो में देख सकते हैं। सही जायका है इनके हाथ में, आप खुद टेस्ट कर लीजिएगा इनका जायका। ये देखिए अगर हम सब ये करें तो कहाँ जाएंगे हम। अच्छा भाई इनका चाउमीन भी रेडी हो गया है ये, और इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी टेस्ट जो है ना लग रहा है बड़ा यम्मी होगा और इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है। अच्छा जी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। सही जैसे कस्टमर डिमांड करेगा। अच्छा हाँ कस्टमर बताते भी तो होंगे ना आपको कि स्पाइसी बनाना है या नॉर्मल बनाना है। इसके जो सर शेफ होते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जो उनकी रेसिपी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे जो शेफ है जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो ये अच्छे कस्टमर हैं, वो अच्छे शेफ हैं ना आपके के कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। जो भी चाइनीज के आइटम बनाते हैं उनके साथ ये इनका सीक्रेट इनका जो है क्या डाला हुआ है ऐसा सीक्रेट आपने इसके अंदर बताने का नहीं है, कुछ बातें बताने की नहीं होती, वही वाली कहानी है यहाँ पे सिर्फ इसके साथ ही रहते हैं हर एक के साथ। अच्छा तो ये लोगों को पसंद आ जाता है ये टॉपिंग और क्रीम जो है इनकी, क्योंकि बाज लोग नहीं खाते ना कि नहीं सबको पसंद है, ठीक है पिछले 2.5 साल से चल रहा है सबको पसंद है। सही ठीक है। ये इन्होंने पिज्जा की टॉपिंग कर ली है, इसमें इन्होंने मलाई बोटी डाली है, कॉर्न्स डाले और ये चीज़ डाले ना इन्होंने। ठीक है जी अभी ये कितने मिनट्स में रेडी होगा आपका ये पिज्ज़ा? 6 मिनट में चलें ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं रेडी क्या है इन्होंने। ये लज़ानिया है अभी ओवन में जाएगा, ठीक है। अच्छा ये लज़ानी ये अवन में रखेंगे और कितनी देर बेक होता है अवन में? अच्छा अभी और कर रही है टॉपिंग, उसके बाद कर रही है 4 से 5 मिनट में ये रेडी। ठीक है ठीक है आप करें टॉपिंग। शेफ इतना खाना पका पका के दिल ख़राब नहीं होता? नहीं मैं नहीं पका सकती इतना खाना, मेरा दिल भर जाता है। आप थकते नहीं हैं? बना बना के थकते नहीं, कभी दिल नहीं चाहता खा जाऊँ बनाते बनाते। अच्छा जी इन्होंने ऑलिव्स की टॉपिंग की है इसके अंदर लज़ानिया में, मशरूम्स ठीक है डाल, ग्रीन चिली अच्छा ठीक है। अच्छा प्रिजर्व जो मतलब रखी हुई उस पर प्रिजर्व हुई होती है वो डालते हैं ना इसके अंदर, और कॉर्न्स ठीक है जी रेडी हो गया, बस अभी बेक होगा। अच्छा चीज़ डलेगा, ये डाला इन्होंने चीज़। पिज़्ज़ा मशीन में जाएगा तो अच्छा मेल्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है सही है, रेडी होता है तो फिर हम आपको दिखाएं। अच्छा जी ये है इनका ओवन और इसके अंदर इन्होंने जो है ना 1, 2, 3, 4 पिज़्ज़ा जो है ना पिज़्ज़ाज रखे हुए देखे, और इसके अंदर इन्होंने वो भी रख दिया अपना लज़ानिया ठीक है। अच्छा जो इन्होंने पिज़्ज़ा रखा था वो रेडी हो गया, वाला टिक्का था ना पिज़्ज़ा इन्होंने जो बनाया था, ये कौन सा इटालियन कौन सा था इसमें से? अच्छा ठीक है ये इटालियन है जो रेडी हो गया इन्होंने कर लिया, और ये कौन सा था आपका? ये मलाई बोटी, ये मलाई टिक्का था। तो इस पर भी आपने टॉपिंग की है, यहाँ पे बना रहे हैं वाइट कढ़ाई और यहाँ पर ये देखिए बना रहे हैं कबाब कढ़ाई, और कबाब कढ़ाई जो है वो आपने सुना नहीं होगा कहीं कहीं जो है वो बन रही है, और ये यहाँ पर हैदर फूड्स जो है इनके पास बन रहा है ये कबाब कढ़ाई। ये देखिए
बर्गर है। अच्छा, ये आपका स्पेशल है बीफ बर्गर चले, ठीक है। और कबाब कढ़ाई इधर कहीं भी? हाँ, मैंने कबाब कढ़ाई अभी नीचे देखी, मैंने उसकी वीडियो बनाई है और मैंने पहले कहीं नहीं देखी कबाब कढ़ाई। बड़ा, हाँ, ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये रही इनकी कबाब कढ़ाई, ये देखें, सही है, ठीक है। बारबेक्यू कबाब कढ़ाई, बारबेक्यू कबाब कढ़ाई, ठीक है। और ये पराठे इसके साथ, सही है। और ये आइडिया अच्छा था, अभी नीचे बन रही थी तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना ली, मैंने कहा फिर मुझसे मिस हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। हैदर फूड्स के ऑनर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं और पूछते हैं भाई कि उन्होंने कैसे आया आइडिया कि भाई फैमिली रूम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और बहुत आपका काफ़ी टाइम से, लेकिन जी 28 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी जो आपने ये फैमिली रूम जो स्टार्ट किया है जी, पहले हैं जी, ठीक है। और बहुत अच्छा बनाया है आपने। और कराची के लोग तो आपको पता है ना, वो तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते, सर्दियों में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वो ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि आएँ और क्या आएँ, इन्जॉय करें, लोग हमारी थीम देखें, लोग हमारा इन्वायरमेंट देखें, हमारी चीज़ें देखें, इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। क्वालिटी देखें, फूड की क्वालिटी, फूड का टेस्ट वगैरह जी, मैंने अभी देखा, बहुत अच्छा है। और एक चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगी, वो जो कबाब कढ़ाई है आपकी, हमारी कबाब कढ़ाई बहुत फेमस है। हाँ, मैंने कहीं नहीं देखी वो इतनी, कभी मैंने सुना भी नहीं, वो यहीं पर देखा मैंने। तो इंशाल्लाह लोग आएंगे, हम भी आएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। और मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट के बगैर। बार बार कहती हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती, आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक बात जाते जाते कहूँगी कि दरगुजर करें, माफ़ करना सीखें, और अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ही अच्छा होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।